अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहु सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बताऊं? आओ चाह। आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप बाइक ले रहे हो। हाँ। अच्छा ये बाइक है ना, कैरियर वाली लेना, ताकि क्या है अचार पापड़ की जो बैग है ना वो ऐसे पीछे रख के इजीली डिलीवरी करने के लिए जा सकते हैं हम लोग। और माधवी, माधवी, हाँ। मैं क्या सोच रहा था? हाँ। अरे भिड़े, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारा काम हो गया। भिड़े मेरे ऑफिस में जो अकाउंटेंट है उसे अपनी बाइक बेचनी थी, मैंने कहा मेरे खास दोस्त को चाहिए, उसने कहा नहीं साहब मैं कहीं और डील कर रहा हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए, तो वो मान गया, तुम्हारा काम हो गया भाई। लेकिन अभी मुझे बाइक नहीं खरीदनी। अरे क्यों? अहो, हम बाइक नहीं ले रहे? नहीं मतलब हम बाइक लेंगे लेकिन बरसात के बाद लेंगे। नहीं नहीं भाई, मुबारक देने की जरूरत नहीं है, मुझे कहा था भिड़े ने बाइक ढूंढने के लिए, लेकिन अब इनकार कर रहा है लेने से। वो आपको तो इनकार करेगा ही ना मेहता साहब, क्योंकि पिड़ू ने मुझे पहले कहा था बाइक ढूंढने के लिए। ओ पिड़ू, वो बाइक जो है ना सिर्फ एक साल पुरानी है, दाम भी बड़े कम है और एक्सीलेंट कंडीशन है। ओ बलजीते यानी अपने खास बल्लू को मैंने डंडनाडन डंडनाडन डन कर दिया। भिड़े तूने ये डंडनाडन डंडन मतलब सूढ़ी को भी तूने बोला था बाइक ढूंढने के लिए? हाँ मेहता साहब। और सोड़ी तू बल्लू को मना कर दे, उसे बोलना कि मैं बाइक नहीं लूंगा। ओ पिड़ू, ओ मर्द अपनी जबान से कभी नहीं फिरता। हाँ जी। अहो अचानक ये फैसला कब लिया आपने? नहीं मैं तुम्हें बताने वाला था कि इतने में फिर। भिड़े मास्टर, भिड़े मास्टर, आओ अरविंद भाई आओ। मेहता साहब, सोड़ी। नमस्ते। भिड़े मास्टर, वो मेरे पेशेंट बताया था ना बाइक वाले, इनकी बाइक है, सन 2010 का मॉडल है, लाल कलर की बाइक है, 30,000 रुपए मांग रहे थे, मैंने 27,000 में डन कर दिया है। बोलो। चलो चल के देख लो। नहीं नहीं हाथी भाई, बाइक देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मुझे बाइक नहीं लेनी है। क्या हाथी भाई, इतना अर्जेंट में क्या टाइम पास के लिए बुलाया था इधर? अरे अरे सॉरी। हाँ सॉरी, टाइम पास तो मेरे साथ हो गया, मैं तो एक माला चढ़ के आया हूँ। छोड़ो ना हाथी परा, और टाइम पास तो मेरे साथ और मेहता साहब के साथ हुआ है, हम दोनों ने फर्स्ट क्लास बाइक फाइनल की थी, पीड़ू को बाइक ही नहीं लेनी। मतलब हम तीनों को बोला था बाइक ढूंढने के लिए। तो पर लाल अगर जो आत्मा राम को तुम्हारे दोस्त के बाइक पता नहीं तो वो लेगा, नहीं तो मेरे कजिन का बाइक लेगा। तुम मरते लड़ते क्यों हो? नहीं मैं लड़ रहा हूँ, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करता। अच्छा, अरे क्या अच्छा यार भाई, लड़ाई करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैंने कहा ना आपके कजिन का बाइक कैंसल, भिड़े मेरे दोस्त के दोस्त का बाइक ही लेगा। ओ भाई ओ हेलो शॉर्ट टर्म क्रांतिकारी, भिड़े ना तुम्हारी बाइक लेगा ना अय्यर की बाइक लेगा। क्यों? और हम लोग जो यहाँ तीन खड़े हुए हैं ना, तीनों को मास्टर भिड़े ने कहा था बाइक ढूंढने के लिए, सबको बोला और अब बाइक लेने से इनकार कर रहे हैं। इतनी परेशानी करके हम बाइक ढूंढ कर लाए और अब कह रहे हैं कि बाइक नहीं लेना। लेकिन ये भिड़े है कहाँ? कहाँ भाई भिड़े? आत्माराम, सॉरी सॉरी, देखिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखिए
मेरा इरादा आप सबको परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। मैं जेन्युइनली सच में बाइक खरीदना चाहता था, इसलिए तो मैंने सबको बोल के रखा था ताकि किसी ना किसी के पहचान में मुझे सेकेंड हैंड बाइक मिल ही जाएगी। लेकिन अभी मैंने अपना विचार बदल दिया है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं बरसात के बाद बाइक खरीदूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप सब कह ही रहे तो फिर मैं बाइक खरीद लेता हूँ। नहीं भाई, हम पे कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। कि हम लोग कह रहे तो तुम बाइक लोगे, हमें नहीं देने कोई बाइक वाइक तुम्हें। छोड़ो और चलो भाई, चलो अपने काम धंधे छोड़ के हम लोग इसकी बाइक के पीछे पड़े हुए। चलो भाई सारे। नहीं लेना तो मत लो, हमें क्या। इसे कहते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। वो मतलब जिसकी समस्या है उसे तो कोई चिंता है ही नहीं, और चिंता हम लोग कर रहे हैं। मतलब पिड़ू सुस्त और हम सब चुस्त। हाँ जी, तो चुस्ती दिखाओ और अपने अपने कामों को जाओ। चलो भाई, तरीका होता है भिड़े यार। मिल गई शांति, हो गए ना सब नाराज। ओ माधवी पापा जी, हम सारे यार अपने खास यार पिड़ू से कभी नाराज नहीं हो सकते। अरे वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए। सही बात है बड़े मास्टर, अगर तुम्हें बाइक बरसात के बाद लेनी हो तो बाद में ले लेना। हाँ भाई, कैंसल तो कैंसल, बाइक लेना उसमें क्या है। अरे भाई भिड़े, हम लोग भी समझते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। भाई ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए। कई बार आदमी ले लेता है बाद में पछताता है, मन चंचल होता है। अभी मन नहीं है तो मत लो, बाद में ले लेना जब मर्जी हो। हाँ अच्छा, तो मतलब आप सब मुझसे नाराज नहीं है ना। नहीं, नाराज तो है। अरे भाई तुमने सोचा कैसे कि हम तुमसे नाराज होंगे। हाँ हाँ ऐसे बिल्कुल। ओ पेड़ो, ओ यार अपने खास यारों से नाराज हो ना, दे पाले चप्पी। सही बात है। अरे बिड़े मास्टर, हम सब गोकुल धाम वासी यारों के यार हैं, हम सब एक हैं। हाँ नहीं भाई, नहीं हम लोग एक बिल्कुल नहीं भाई, सब अलग अलग है। क्या की गल कर रहे पप्पू। अरे भाई आप सबकी शादियां हो गई है भाई, मैं अकेला कुंवारा बच्चा हूँ। चाय। अब आपकी तबीयत कैसी है। अरे सुबह से 5 बार पूछ चुकी है दया, बोला ना अच्छी है। हाँ, मतलब अभी तक अच्छी ही है ना। अरे अच्छी होगी ना दया, हमारे बेडरूम में थोड़ी बारिश हो रही है कि मैं दोबारा भीग के फिर से बीमार पड़ जाऊं। नहीं नहीं, हमारे बेडरूम में बारिश नहीं होती, लेकिन हमारे बाथरूम में बारिश होती है ना। बाथरूम में सावर, वो भी एक प्रकार की बारिश ही है ना। ओ बाथरूम की बारिश में भीग के भी तबीयत अच्छी है, क्योंकि क्या है मेरी एक पत्नी है दया। अच्छा, तो वो मुझ पे दया खा के क्या गिजर चालू कर देती है, तो गर्म पानी की बारिश होती है तो उससे बीमार नहीं पड़ते। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते। ये तो आपका बड़ेपन है कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये तारीफ के असली हकदार मैं नहीं, डॉक्टर हाथी भाई है, जिनके रामबाण इलाज से आप, बापूजी, टप्पू और मैं एक झटके में ठीक हो गए। सॉरी सॉरी, वो कल क्या बारिश हुई ना एकदम, तो टेम्पो जरा बिगड़ गया रास्ते में, इसलिए डिलीवरी नहीं हो पाई। और निकला तो था डिलीवरी करने के लिए। नहीं नहीं, आज आज पक्का, आज आज पक्का मैं करवा देता हूँ। हाँ बेफिक्र रहिए। ओके थैंक यू। वाह 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 टप्पू के पापा, क्या बात है, मान गया, बात करके आपने पार्टी को क्या पटाया है। पटाया क्या, इसमें जो था वो बोल दिया। हाँ वही, आप कितने निखालस हो, जो मन में होता है वही बोल देते हो। वाह, शादी के इतने साल हो गए फिर भी आप इतने भी नहीं बदले। तुझे क्या मैं ब्रेड लगता हूँ, इतना मक्खन क्यों लगा रही है। वो क्या है कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि समय समय पर पति की तारीफ करते रहना चाहिए, ताकि क्या है कि पति खुश रहते हैं, और पति खुश रहते हैं तो पारिवारिक लग्न जीवन भी खुश खुशहाल रहता है। लेकिन मेरे जो बापूजी है ना, वो ऐसा कहते हैं कि जब कोई बिना वजह आपको मक्खन लगाने की कोशिश करे ना, तो समझ जाने का कि उनको आपसे कुछ काम है।
क्योंकि बिना वजह कोई मक्खन नहीं लगाता। तो बताइए क्या काम है आपको मुझसे? वो बोल बच्चन फिल्म है ना, वो बहुत ही कॉमेडी फिल्म है। तूने देख भी ली? अरे मैं कहाँ से देखूंगी, अभी 6 जुलाई का फिल्म आने वाली है। तो तुझे कैसे पता चला बहुत कॉमेडी फिल्म है? अरे रोहित भाई सेट्टी की फिल्म है ना, उनकी ज्यादातर फिल्में कॉमेडी ही होती है। तो मैं क्या करूँ कि हम वो बोल बच्चन फिल्म देखने के लिए जा सकते हैं? अरे जा सकते हैं क्या, जाएंगे, जरूर जाएंगे। मुझे भी कॉमेडी फिल्म देखना बहुत पसंद है। आप एक काम करना, दुकान से आते वक्त ना टिकट लेकर आ जाना। मजा आएगा, वो पता है उसमें मेरे दोनों फेवरेट हीरो है, अभिषेक भाई बच्चन और अजय भाई देवगन। चलो मैं चलो। अरे यार तुझे नहीं लगता तू कुछ भूल रही है क्या? ओ नहीं छाता। सॉरी सॉरी, लाई लाई छाता। ओ भाई ना उठ पहाड़ के नीचे। ये बोल बच्चन छाता लेके। हाँ ले 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 लीजिए। सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं करने का, वो टिकट लेके आने वाले हैं। सॉरी, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। सॉरी। अब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे दया, मैं क्या कह रहा था? मैंने तो टप्पू के पापा को बोल बच्चन फिल्म देखने के लिए बुला लिया है। क्या बात? वाह वाह, आप बोल बच्चन फिल्म देखने जा रही है? हाउ लकी। मैं अंदर आ सकता हूँ? एक शर्त पर, आज आप अपनी शादी की बात नहीं करेंगे। अरे पोपटलाल भाई मैं मजाक कर रही थी। अरे तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, एक्चुअली क्या है कि मैंने अपनी बालकनी से आप सारी बहनों को अंजलि भाभी के घर पर आते हुए देखा, तो मुझे पता चल गया कि आप लोग मेरी शादी की चर्चा करने के लिए ही मिली होंगी। तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिख रहा था, उसे आधा छोड़कर यहाँ आ गया। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? किस बारे में? अरे भाई मेरी शादी के बारे में। पोपट भाई, आपकी शादी की पूरी तैयारियां हो गई। अच्छा? सिर्फ लड़की ढूंढना बाकी है। अरे वो शुभ दिन कब आएगा? आएगा आएगा पोपट भाई, चिंता मत कीजिए। क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है, बारिश में मेढक, मोबाइल में मिस कॉल, रेडियो में गाना और शादी के लिए रिश्ता कभी भी आ सकता है। परफेक्ट, वही कह रहा हूँ दया भाभी के वो कब कब आएगा। हेलो पत्रकार पोपटलाल जी। जी मैं पराग देसाई के ऑफिस से शिवानी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। कल बोल बच्चन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको उसमें आना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस? अच्छा एक मिनट। पत्रकार पोपटलाल जी। हाँ जी बोलिए। बोल बच्चन के सभी स्टार्स अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, प्राची देसाई, आसिन और उनके डायरेक्टर रोहित शेट्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, आप भी ठीक 12 बजे पहुंच जाइए। अच्छा, और रखी कहाँ है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? डायमंड विला होटल, ठीक 12 बजे कल पहुंच जाइएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ, आ जाऊंगा मैं। ओके थैंक यू। पोपट भाऊ जी, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टार्स लोग सच में आने वाले हैं? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो सुना आपने सारा वार्तालाप फोन पर। मतलब आप उनको ऐसे आमने सामने मिलने वाले हैं? अरे दया भाभी, रूबरू मिलेंगे का क्या मतलब है, मैं उनको बहुत सारे सवाल करूंगा और जितने सवाल करूंगा उन सबके जवाब उनको देने पड़ेंगे। पोपट भाई आपकी तो बहुत मजे है, इतने बड़े बड़े स्टार से मिलोगे आप? रोज क्या है, मैं अभिषेक की बहुत बड़ी फैन हूँ।
और अजय देवगन जी उनकी पर्सनालिटी भी एकदम स्मैशिंग है। हाँ, वो गजनी में असीन ने क्या एक्टिंग की है, अप्रतिम। और प्राची बहन ने टीवी में सब फिल्म में आके जो कुटका मारा है, ओहो। रोहित शेट्टी डायरेक्टर हैंडसम और फिट है, देता एक पे एक हिट है। क्या बात है भाई, क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं? हाँ पोपट भाई, प्लीज। हाँ प्लीज। सॉरी दया भाभी, वो क्या है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो सिर्फ पत्रकारों के लिए होती है, आम आदमी जो होता है वो वहाँ पे हिस्सा नहीं ले सकता। क्यों? अरे अजय भाई देवगन हमें जानते हैं और हम भी उन्हें जानते हैं। पोपट भाई, हम सबको आप अपनी बहन मानते हो ना? अरे ये रक्षाबंधन की हमारी गिफ्ट है कि आप कल हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके जाएंगे, पासोगी नहीं? और हम लोग आपके लिए लड़के ढूंढने का मिशन और जोर से करेंगे। अच्छा? देखिए, हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी कोने में चुपचाप खड़े रहेंगे, और जब तक आप नहीं कहेंगे ना, तब तक हम लोग स्टार्स को भी नहीं मिलेंगे। देखिए पोपट भाई, आपको हमें उनको मिलवाने के लिए ले जाना पड़ेगा, मतलब ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कल मैं आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाऊंगा। आपके भाई पत्रकार पोपटलाल का आप सारी बहनों को वचन है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब मेरे साथ आ रही। एक मिनट। लेकिन अभी बबीता जी ने जो बोला, उस मिशन को आप मत भूलना। ऑफ कोर्स। हाथ कुटे माधवी, विश्वास नहीं हो रहा है, ये सपना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सपना नहीं, खरच है। अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, हम सबसे मिलने जाएंगे कल। वाह वाह माधवी, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक मिनट, आपको घर बैठे क्या मजा आएगा? अरे का मतलब? मतलब सिर्फ हम औरतें जा रही हैं। क्यों? मतलब हम क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ औरतें क्यों जा रही है? नहीं नहीं, मैं तो आऊंगा। अरे पर पोपट भौजी, उसका मुझे नहीं मालूम, मैं आऊंगा मतलब आऊंगा, दैट्स फुल एंड फाइनल। अरे अरे अंजलि, मैं क्यों नहीं आऊंगा? अरे मैं 100% आऊंगा बोल बच्चन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हाँ एक बात और, मैंने तो बोल बच्चन पे एक कविता लिखने का भी फैसला किया है, जो वहां जाके सुनाने वाला हूँ। क्या आप कल बोल बच्चन पे कविता सुनाएंगे उनको? हाँ क्यों नहीं, 100% सुनाऊंगा। तारक अपना तो वट पड़ जाएगा, सबसे डिफरेंट। बिल्कुल, तारक इज ऑलवेज डिफरेंट यू नो। लेकिन एक चीज में डिफरेंस नहीं है भाई अंजलि, मैं भी भीतर से तो आम आदमी हूँ, भले लेखक हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे फैन मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन एक आम आदमी की इच्छा क्या होती है? स्टार्स से मिलना। तो स्टार्स से मिलने का आकर्षण बचपन से मुझ में भी है, इसलिए मैं 100% आऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हाँ सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कल जब मैं अजय देवगन और अभिषेक बच्चन के बाजू में जाऊंगी ना, तुरंत मेरी फोटोग्राफ खींचना, ठीक है? डोंट वरी बबीता, मैं फोटो तो क्या, उन दोनों के साथ तुम्हारा वीडियो भी शूट कर लेगा। यस, आई एम सो एक्साइटेड। सेम ईयर बबीता, सेम ईयर। ओए रोशन, दिल खुश कितना ही मेरे, जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बहार, जाने गुलजार। रोशन तू गेलो, टेगे छु गेलो। ओए हूं गेलो छु, दीवाना छु, परवाना छु, मस्ताना छु, पर जो भी छू सोनी है तारा छू। ओए तारी भी सुनती रही या कल की अभी तारी भी करे? चल 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 भाई। खुशी, उमंग और उत्साह की नदी बह रही है इस वक्त गोकुल धाम में। मित्रों, हमारे देश में अपने पसंदीदा फिल्म स्टार से मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लगभग दीवानापन। और यहाँ पे गोकुल धाम में हमारे पत्रकार मित्र पोपटलाल ने सभी को वादा किया है कि वो बोल बच्चन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाएंगे और हम सभी को अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, प्राची देसाई, यासिन और रोहित शेट्टी से मिलवाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, जिस तरह से एक नदी के दोनों ओर किनारे होते हैं, किनारों के बीच नदी होती है, ठीक वैसे ही खुशी और गोकुल धाम के निवासियों के बीच में हंगामे की नदी हमेशा बहती रहती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बोल बच्चन के स्टार से मिलने के बीच में कितने हंगामे हैं। अगला एपिसोड कितना धमाकेदार होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।